हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ESIC से जुड़ी एक जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ESIC में जो नया अपडेट आया है उसके बारे में। इसके लिए हम सबसे पहले ESIC पोर्टल पर चलते हैं, और जैसे ही आप ESIC का जो मेन पोर्टल है उस पे जाते हैं, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा मेन होम पेज पे। और ये बीच में जो मिडिल लाइन आपको दिख रही है, द न्यू प्रोसेस फॉर मॉडिफाइंग क्रेडेंशियल्स फॉर बेनिफिशियरी हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन एम्प्लॉयर पोर्टल एज पर मैंडेट, हेल्प फाइल इज अवेलेबल ऑन एम्प्लॉयर पोर्टल। यानी कि जो एम्प्लॉयर आपकी जो डिटेल्स अपडेट करता है, लाइक आपका जो एड्रेस है, नॉमिनी है, फैमिली डिटेल है, उसका जो न्यू अपडेटेड वर्जन है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है ESIC ने। और जो हेल्प फाइल है कि कैसे आप उसको अपडेट कर सकते हैं, वो एम्प्लॉयर के पोर्टल पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अभी ESIC ने रिसेंटली एक अपडेट किया है कि जो भी आप अपना डिटेल अपडेट करवाते हैं ESIC में, आपका नाम अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना चाहते हैं, डिस्पेंसरी चेंज करवाना चाहते हैं, अपना नॉमिनी डिटेल चेंज करवाना चाहते हैं या ऐड करवाना चाहते हैं, फैमिली डिटेल आपको ऐड करवानी है, अपना बैंक अकाउंट अगर ऐड करना है, तो उसके लिए पहले क्या था कि सिंपली आप अपने एम्प्लॉयर को बोल के चेंज करवा सकते थे, और जैसे ही एम्प्लॉयर उसको अप्रूव करता था, अपडेट करता था और अप्रूव करता था, आपकी जो डिटेल है वो अपडेट हो जाती थी। बट अभी इसमें ESIC ने चेंज कर दिया है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो एम्प्लॉयर पोर्टल से जो जो फैसिलिटी है जो पहले आप एम्प्लॉयर के थ्रू हो जाती थी, वो था आपकी डिस्पेंसरी, एम्प्लॉयर चेंज कर सकता था आपकी पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल, नॉमिनी डिटेल, फैमिली डिटेल और बैंक डिटेल। अभी क्या है, जैसे ही इनमें से कोई भी डिटेल आप अपडेट करवाओगे, अगर आपको अपनी डिस्पेंसरी अपडेट करवानी है, अगर आपको अपना एड्रेस अपडेट करवाना है, नॉमिनी अपडेट करना है, या पर्सनल डिटेल में कुछ चेंज करना है, बैंक डिटेल ऐड करना है, तो उसके लिए आपको एज ए प्रूफ एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेगा। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे एक एडिशनल चीज हो गई कि कोई भी अगर आप डिटेल ऐड करवाएंगे या फिर आप चेंज करवाएंगे तो उसका आपको प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट देना है। वो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड, जैसे ही एम्प्लॉयर आपकी जो डिटेल है उसको अपडेट कर देता है, पोर्टल पे डाल देता है, उसके बाद वो रिक्वेस्ट ESIC में जाएगा। ESIC में भी वो कंसर्न्ड क्लर्क के पास जाएगा। जैसे ही वो क्लर्क उसको ओके करेंगे, उसके बाद वो रिक्वेस्ट ESIC में ब्रांच मैनेजर के पास जाएगा। फिर ब्रांच मैनेजर जब उसको ओके करेंगे, उसके बाद आपका जो डिटेल है वो अपडेट होगा। तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। पहले ऐसा नहीं था, पहले एम्प्लॉयर ने अपडेट किया मींस अपडेट हो गया, उसके बाद वो ESIC के पास रिक्वेस्ट नहीं जाता था। अभी क्या है, ESIC के पास रिक्वेस्ट जाएगा, पहले क्लर्क के पास जाएगा और फिर ब्रांच मैनेजर के पास जाएगा। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है वो लेंथी प्रोसेस हो गया। इस केस में होगा क्या कि अगर किसी एम्प्लॉय को एमरजेंसी है और अगर वो अपनी डिस्पेंसरी चेंज करवाना चाहता है या कोई फैमिली मेम्बर ऐड करवाना चाहता है, तो एट ए टाइम नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट क्या है, आपको आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना जो ESIC पोर्टल है, एम्प्लॉय ESIC पोर्टल, उसमें जाइए। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इंश्योर्ड बेनिफिशियर है। यहाँ पे जाके आप अपने ESIC में लॉगिन कर सकते हैं। आपको लॉगिन कैसे करना है, पासवर्ड अगर नहीं बनाया है कैसे बना सकते हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी ये वाली वीडियो बनाई हुई है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो इस वीडियो को देख के आपको पता लग जाएगा कि आप अपना जो ESIC है उसमें कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो अपना जो ESIC पोर्टल है उसमें लॉगिन करिए, अपनी डिटेल चेक करिए, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका फैमिली डिटेल, आपका नॉमिनी डिटेल, आपका डिस्पेंसरी, वो सारी चीज़ें आप चेक करिए, ताकि ऐसा ना हो कि इनकेस अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, कुछ इमरजेंसी होती है, तो एट ए टाइम आप अपनी डिटेल्स अपडेट नहीं करवा पाएंगे और आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अपनी डिटेल पहले ही चेक करिए, अगर आपको कुछ चेंज करवाना है तो अपनी कंपनी से कॉन्टैक्ट करके और वो डिटेल्स जो है अपनी चेंज करवा लीजिए। क्योंकि अभी जो ये वाला प्रोसेस है ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया है। इसमें हर चीज़ आपको अपडेट करने के लिए, आपको हर चीज़ अपडेट करने के लिए डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, और फिर जैसे ही कंपनी आपकी रिक्वेस्ट डाल देगी, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, और ये रेफरेंस नंबर जनरेट होने के बाद ESIC के पास जाएगा। ESIC उसको जो कंसर्न कलर का वो ओके करेगा, कंसर्न कलर को ओके करने के बाद जो ब्रांच मैनेजर है वो ओके करेगा, उसके बाद आपका डिटेल अपडेट होगा। तो सबसे बेस्ट यही है, अपनी डिटेल पहले ही आप चेक कर लो अपनी कंपनी से, उसको करेक्ट करवा लो, ताकि उसमें जितना भी टाइम लगना है उस टाइम के दौरान आपकी जो डिटेल्स हैं वो करेक्ट हो जाए। क्योंकि अभी ऐसा कोई भी टाइम लाइन ESIC ने नहीं दिया है कि 5 दिन 10 दिन में आपकी डिटेल ESIC से ओके हो जाएगा। मान लो अगर आपकी कंपनी ने आपकी रिक्वेस्ट डाल दिया, अपडेट कर दिया, उसके बाद हो सकता है ESIC उसको 3 दिन में 5 दिन में 10 दिन में 15 दिन में ओके करें। तो अपनी डिटेल्स चेक करें और जो भी आपका डिटेल मिसमैच है उसको करेक्ट करें।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो नया प्रोसेस आया है इसके थ्रू कैसे एक एम्प्लॉयर जो है आपकी डिटेल अपडेट करेगा, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा और किस किस उसमें स्पेसिफिक फील्ड में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको, अपनी कंपनी को क्या डॉक्यूमेंट देने हैं अपलोड करने के लिए और कंपनी उन डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करेगी, कैसे वो रिक्वेस्ट जाएगी, ESIC कैसे उसको ओके करेगा, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही कि जो भी आपका डिटेल्स आपको ESIC में अपडेट करने हैं उसका जो प्रोसेस है वो चेंज हो गया है। कोई भी डिटेल अपडेट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और जो रिक्वेस्ट है वो एम्प्लॉयर के साथ साथ अभी ESIC से भी अप्रूव होगा। ESIC में भी दो स्टेप पे वो अप्रूव होगा, पहले क्लर्क के थ्रू, दूसरा ब्रांच मैनेजर के थ्रू। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि ये जो नया इम्प्लीमेंट किया है प्रोसेस ESIC ने वो आपको कैसा लगा, इसका आपको बेनिफिट लग रहा है कि इससे आपको नुकसान लग रहा है। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।